हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 3, जो कि बेस्ड होगा हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सिनेरियो पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर रुपीज 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1 July 2020, they introduced further capital of rupees 1 lakh, 80,000 and 50,000 respectively. On 1 February 2021, Y withdrew 15,000 rupees from his capital. Interest is to be allowed at 8% per annum on their capital. Compute interest on capital for the year ended 31 March 2021. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर एक फर्म में जिनकी कैपिटल जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 को इंट्रोड्यूस की 5 लाख रुपीज एक्स ने, 4 लाख रुपीज वाई ने और 3 लाख रुपीज जेड ने। 1 जुलाई 2020 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये अपने कैपिटल में फर्दर ऐड करेंगे और कैपिटल ऐड करेंगे। तो 1 लाख एक्स ने ऐड की, 1 लाख कैपिटल एक्स ने और बढ़ाई अपनी, 80,000 वाई ने इंक्रीज करी और जेड ने 50,000 रुपीज अपने कैपिटल इंक्रीज करी। ऑन 1 फेब 2021 वाई ने क्या करा, ऑन 1 फेब 2021 को कि वाई ने विड्रू कर ली 15,000 रुपीज अपने कैपिटल में से, 15,000 रुपए अपने कैपिटल में से उसने निकाल लिए। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट जो आपको रेट बता रखा है वो है 8% पर एनम। कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको बता रखा है 8% पर एनम का है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में एक्स को, वाई को और जेड को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स का जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा वो पहले होगा ऑन रुपीज 5 लाख फॉर 3 मंथ। 3 मंथ पे क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक्स ने 5 लाख रुपीज से लगाए थे ना, उसके बाद 1 जुलाई को उसने और इंट्रोड्यूस किए। तो अभी हम 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ही जाएंगे। तो ये आपको पीरियड लेना है 1 अप्रैल टू 30 जून। यहाँ पे आपको लिखना है 5 लाख मल्टीप्लाई 3/8/100 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है, मल्टीप्लाई 3/12। आपने पहले 2 जीरो से 2 जीरो आप रिमूव कर दीजिए। इसके बाद 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे। अब हमारे पास बचा 5000 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे लिखिए 5000 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 10,000। तो देखिए आपने किस तरीके से हमने पहले एक्स की कैपिटल कैलकुलेट की। अभी एक्स की और भी कैपिटल कैलकुलेट होगी, क्योंकि 1 जुलाई को क्या डिसाइड किया कि एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया कि वो अपने अदर अपने कैपिटल में और कैपिटल ऐड करेंगे। तो 1 लाख रुपीज ऐड करा किसने, एक्स ने ऐड किया। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 1 लाख रुपीज पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जुलाई दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब 5 लाख तो थी, 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए, तो अब टोटल कैपिटल कितनी होगी, 6 लाख रुपए होगी। 6 लाख पे आप कैलकुलेट करेंगे। अब 6 लाख पे आप कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 9 मंथ के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को डिसाइड किया था ना कि इन्होंने एक्स ने 1 लाख रुपए कैपिटल इंक्रीज कर दी। तो अब आपको 9 मंथ जाना है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपको 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ होते हैं, तो 9 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखिए 6 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 9/12। 2 जीरो से 2 जीरो आप रिमूव कर दीजिए, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे। तो यहाँ पे आया 6000 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 6000 मल्टीप्लाई और 6000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, क्योंकि 2 3 का क्या होता है 6 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 36,000 रुपीज। प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो कैपिटल एक्स को दी जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 46,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिया जाएगा। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है वाई का। वाई का देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा, प्रोसीजर सेम ही है, बट यहाँ पे बस ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई कि 1 फेब को ना उसने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए अपने कैपिटल में से, निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं वाई की कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले वही मेथड है कि वाई की कैपिटल आपको पहले कितनी कैपिटल लगाई, वाई ने 4 लाख रुपीज लगाई, तो 4 लाख आपको 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 जुलाई को वाई ने भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे पीरियड होगा 1 अप्रैल टू 30 जून, यहाँ पे लिखिए 4 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 3/12। 2 जीरो से 2 जीरो रिमूव कर दीजिए, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे। तो यहाँ पे आएगा 4000 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करके आएगा 8000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप फर्दर कैपिटल ऐड करिए, कितने ऐड किए, 80,000 रुपीज ऐड किए। तो 80,000 पे कैलकुलेट नहीं करना, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको 4,80,000 पे कैलकुलेट करना है, वो भी 7 मंथ के लिए। अब 7 मंथ के लिए क्यों कैलकुलेट करना है यहाँ पे, क्योंकि 1 जुलाई से
तक 7 मंथ होते हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में इसने पैसे विड्रॉ भी करे हैं, पैसे निकाले भी हैं, तो आपको 1 जुलाई से 1 फरवरी तक ही जाना है। तो ये 7 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे लिखिए 1 जुलाई टू 31 जनवरी, 31 जनवरी से 1 जुलाई से 31 जनवरी तक 7 मंथ ही होते हैं। यहाँ पे लिखिए 4,80,000 मल्टीप्लाई 8/100 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, मल्टीप्लाई 7/12 कर दीजिए। 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो रिमूव कर दीजिए, 4 के टेबल में 8 2 पे आता है और 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, 3 के टेबल में 4,800 जो आएगा वो 1,600 पे आएगा। तो 3 के टेबल में आप ये रिमूव कर दीजिएगा, आपके पास जो बचा बचा 1,600 मल्टीप्लाई 14, 2 7 का कितना होता है 14 होता है, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 22,400। इन्हें प्लस कर दीजिए, अभी इन्हें प्लस नहीं करना है क्योंकि एक स्टेप और है। 1 फरवरी को भी क्या हुआ, वाइन ने पैसे निकाल लिए हैं 15,000 रुपए। अब जब 15,000 रुपए निकाल लिए हैं तो 4,80,000 में से 4,80,000 में से 15,000 माइनस करने होंगे आपको, तो 4,65,000 ही रहेगी उसकी कैपिटल। अब याद रखिए इस बात को, ये पॉइंट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि 15,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं तो 4,80,000 थी उसकी कैपिटल, 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो 4,65,000 रुपये रहेगी। तो 2 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखिए 1 फरवरी टू 31 मार्च 4,65,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 2/12, क्योंकि 2 महीने के लिए है, 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने होते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 जीरो से 2 जीरो रिमूव कर दिया आपने, अब देखिए कि 4 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, 2 के टेबल में 12 6 पे आता है, फिर 2 के टेबल में देखिए 6 के टेबल में 4,657 पे आते हैं। आपके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ बचा 775 मल्टीप्लाई 8, क्यों 4 2 8 होता है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 6,200। इन तीनों को प्लस करके जो आपके पास कैपिटल आएगी भाई की, वो आएगी 36,600। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से एक्स की कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर ली और वाई की कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब करेंगे हम जेड की कैपिटल कैलकुलेट। तो जेड की कैपिटल कैलकुलेट करने एकदम सिंपल है, जेड ने 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपीज लगाए हैं, तो यहाँ पे आपको वही लिखना है ऑन रुपीज 3 लाख फॉर 3 मंथ, क्योंकि 3 मंथ के लिए ये भी कैलकुलेट होगा क्योंकि 1 जुलाई को तो उसने भी फर्दर कैपिटल एड कर दिया है। तो पीरियड होगा 1 अप्रैल से 30 जून तक का, 3 लाख मल्टीप्लाई में 8/100 मल्टीप्लाई में 3/12 कीजिएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, 4 के टेबल में 8 2 पे आता है, हमारे पास जो रिमेनिंग बचा बचा 3,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 6,000। अब सेम 1 जुलाई को फर्दर कैपिटल ऐड हुई है कितनी 50,000, तो ये आपका कैलकुलेट होगा 3,50,000 पे फॉर 9 मंथ के लिए, क्योंकि इसके बाद वाई ने जेड ने तो कोई पैसे विड्रॉ नहीं करा है, तो आपको सीधा 1 जुलाई से 31 मार्च तक का पीरियड कैलकुलेट करना है जो कि होते हैं 9 मंथ। यहाँ पे लिखिए 3,50,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 9/12, कैलकुलेशन करनी होगी तो 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 4 के टेबल में 8 2 पे आता है, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, 3 के टेबल में 9 3 पे आता है। तो ये पूरी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा 3,500 मल्टीप्लाई 2 3 6 होता है, तो 3,500 मल्टीप्लाई 6 कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 21,000, प्लस करने पर आपके पास आएगा 27,000। तो 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जेड को। तो यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।